आंध्र प्रदेश में केमिकल प्लांट में गैस लीक थता बे बाळको सहित 11 ना मौत, बे कलाक बाद स्थिति काबू में, 4 किलोमीटर सुधी फैलायो हतो गैस। मुंबई नी हॉस्पिटल में घोर बेदरकारी, हॉस्पिटल ना वार्ड में संक्रमित दर्दियों साथे कोरोना थी मृत्यु पामेला दर्दियों ना मृतदेह राखवामां आव्या। बुद्ध पूर्णिमा पर पीएम नु कोरोना वॉरियर्स ने संबोधन, कहूं दुनिया में उथल पाथल ना समय बुद्ध नी सलाह प्रासंगिक, मुश्किल स्थिति में जीत मेळवाना प्रयत्न करो। धोड़का में कैडिला फार्मास्यूटिकल कंपनी में 21 केस पॉजिटिव आता दौड़तु थयु तंत्र, शिक्षण प्रधान भूपेन्द्र सिंह चुड़ासमाए बोलावी बैठक, यूनिट करायु बंद। राजकोट जिला कलेक्टर नो महत्वपूर्ण निर्णय, राजकोट थी अमदावाद अने अमदावाद थी राजकोट जवा आववा पर प्रतिबंध, मात्र मेडिकल इमरजेंसी अने एम्ब्युलेंस ज अवर जवर करी शकशे। महेसाणा में कोरोना वॉरियर्स साथे अन्याय, वडनगर सिविल ना नर्सिंग स्टाफ ने अर्धा जेटलो ज पगार अपायो, 163 कर्मचारीओनी विरोध साथे हड़ताल। कोरोना सामे जीत मेळवता दर्दीओ, एसवीपी हॉस्पिटल माथी 54 कोरोना दर्दीओने रजा आपवामां आवी, महिला एसीपी मिनी जोसेफे पण कोरोनाने कर्यो परास्त, मळी रजा। आगामी 5 दिवस दरमियान राज्य में मिश्र ऋतुनो थशे अनुभव, सौराष्ट्र कच्छ उत्तर गुजरात में हीटवेव की आगाही, 10 અને 11 મે ના રોજ પડી શકે છે બનાસકાંઠામાં વરસાદ। 1,00,000 ટન જેટલો કેરીનો પાક આગામી 10 દિવસમાં દક્ષિણ ગુજરાતમાંથી આવી શકે છે, વહીવટીતંત્ર અને એપીએમસી વચ્ચે બેઠક, સુરતના વિવિધ વિસ્તારમાં વેચાશે કેરી। હાલ સિંગતેલ નહીં થાય સસ્તું, ઉત્પાદકોને કાચા માલની અછત થતા ભાવ ઘટે તેવી શક્યતા નહીવત, નાફેડ પૂરતો જથ્થો છૂટો કરે તેવી માંગ।